हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल कोर्स। ये एडवांस एक्सेल का कोर्स है। इसमें मैं आपको ये एक्सेल के जितने भी फार्मूलाज हैं, ऑटो सम है, रिसेंटली यूज है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट के हैं फंक्शन कुछ, इसी तरह डेट एंड टाइम के फंक्शन है, लुक एंड रेफरेंस के हैं, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं, मोर फंक्शन, स्टेटिस्टिक के फंक्शन, इंजीनियरिंग के फंक्शन, क्यूब के फंक्शन, इंफॉर्मेशन कंपेटिबिलिटी, वेब के फंक्शन, इन तमाम फंक्शन के बारे में इस वीडियो में, इस कोर्स में आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम इसके कुछ जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपने सिंबल यूज करना है इस इक्वल टू का, ठीक है। आप प्लस का सिंबल भी यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इक्वल का सिंबल शो यूज होता है उस हमारे जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसको पता चल जाता है कि यहाँ से अभी कोई फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस इक्वल टू कर लेता हूँ, पहला नंबर फिर प्लस दूसरा नंबर, 4 + 5, ये देखिए हमारे पास 9 रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह आप इसको 4 + 5 करेंगे तो ये देखिए 9, शुरू में प्लस हमने ऐड किया, +4 + 5 इंटर करता हूँ तो हमारे पास 9। लेकिन आप जब आप फार्मूला बार में देखेंगे यहाँ से इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली लग चुका है। इसी तरह आप इसमें बाकी सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर माइनस का यूज करेंगे तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए 4 + 5 हम प्लस करना चाहते हैं, ये देखिए 1, इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसी तरह हमेशा इज इक्वल टू का सिंबल यूज करें किसी भी फार्मूला को शुरू करने से पहले। तो मैं अब यहाँ से कोई दो नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, 5 - 4 तो हमारे पास 1 आ गया, इज इक्वल टू 5 × 4, 20 इज इक्वल टू 4/5, तो ये 0.8 इज इक्वल टू। इसी तरह दो नंबर को प्लस करना चाहते हैं प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एड डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी हमारे पास कुछ बेसिक जो फार्मूलास हैं वो आ गए हैं, ठीक है। अब आपके पास आप चाहते हैं कि इस सेल में मैंने जो नंबर ऐड किए हैं इनको आप सम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। ये देखें आपके पास उसका टोटल आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इज इक्वल टू दिस, यहाँ से इस तरह माउस से सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, किसी भी नंबर को, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं माइनस दिस एंटर करें तो देखें 0। इसी तरह इज इक्वल टू दिस ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर, ठीक है, इंटर करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ये अगर आप यहाँ से नंबर चेंज हो जाए तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा, ये देखिए आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है, ठीक है। इसी तरह आप डिवाइड करना चाहते हैं इस नंबर को, 74 को डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय 41 पर, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्ट एड करना चाहते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके पास अगर यहाँ से बहुत सारे नंबर हैं तो इनको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू दिस ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये, तो आपके पास ये एक बहुत लंबा फार्मूला बन जाता है, लंबा प्रोसेस होता है। इनको ऐड करने के लिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन नंबर 1, 2 जितने भी नंबर हैं उनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास इसका सम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तमाम को तो आपको स्टेटस बार में इसकी 3 चीजें नजर आएंगी, एक इसका एवरेज काउंट कितने हैं और सम, इनका सम भी आपको यहां पर शो होगा, ठीक है। इसी तरह आप शॉर्ट की से इसको सम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, R + = का सिंबल प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो सेल्स हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे और सम का फार्मूला भी आपके पास आ जाएगा, एंटर करेंगे तो ये नंबर आपके पास सम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दो नंबर, दो रोस हैं, ठीक है,
आप यहां पर फार्मूला लगाने, इज इक्वल टू सम लेफ्ट के दो नंबर, आप फार्मूला के रेफरेंस से भी नम इसको सम करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस तरह इसकी क्या, इस सेल का क्या नाम है, D6, तो आप करेंगे D फिर सेमी कॉलम 6, D6 से लेकर ठीक है डी ई 6 तक, ई डी सिक्स से ई 6 तक ठीक है। तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, इंटर करें तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप इसको नीचे इन दोनों को भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मूला लगाना की दोबारा जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको नीचे पकड़ के ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला यहाँ से कॉपी होके यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और ये इस लेफ्ट जो दो नंबर हैं उनको सम कर लेगा ठीक है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इंटर करें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे ड्रैग करें या डबल क्लिक करें तो ये देखें ये इस नंबर से ये वाला सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इससे तो ये ठीक है, डबल क्लिक करें तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होके हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, इस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं इस पे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन जब इस तरह प्लस का सिंबल आ जाए तो डबल क्लिक करें तो ये डिवाइड होके आपके पास आंसर आ रहा है ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक फार्मूलाज ठीक है। आप यहाँ पर सेल की वैल्यू चेंज करेंगे तो देखेंगे आगे तमाम वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी। तो इसका ये फायदा है कि आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मिलती जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मजीद फार्मूलाज के बारे में आपको बताऊंगा कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब मैं नई एक्सेल की फार्मूलाज की वीडियोस लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर